पहले से रख दिए, गरम हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये टमाटर चटनी के लिए उबालेंगे। पहले ये तीन टमाटर हमने लिए हैं, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, इसको उबालेंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे, गैस हम ऑफ कर देंगे। ये टमाटर हमारे उबल गए हैं, ये टमाटर हमारे उबल गए हैं, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको हम ठंडा करेंगे, फिर इसको पीसेंगे, तब चटनी बनाएंगे। ये टमाटर हमने पीस लिया है, अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। एक बारीक कटी हुई गाजर, एक बारीक कटी हुई मूली डाल देंगे। और थोड़ी सी अदरक 1 चम्मच, एक कद्दूकस कर ली है हमने, 2 ग्रीन चिली। और अब इसमें हम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भुना हुआ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर भुना हुआ और थोड़ी सी हींग, स्वादानुसार काला नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम रेड चिली पाउडर और काली मिर्च पाउडर थोड़ा, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। ये चटनी मिक्स सलाद हमारा बनके रेडी है। आप लोगों को हमारे चटनी मिक्स सलाद की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।